यार आज से हम कमेंट गेम स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें मैं यूनिक कमेंट जो होगा उसको हर वीडियो में पिन लाजमी किया करूंगा। और भाई जो कमेंट मुझे सबसे यूनिक लगेगा उसका आंसर मैं नेक्स्ट वीडियो में लाजमी करूंगा। जो आज का कमेंट है वो है भाई अवैस मकसूद का। और भाई अवैस ये कहते हैं कि यार आप बहुत कमाल की वीडियो बनाते हो और आपकी मैं पूरी वीडियो में कभी भी बहुत नहीं हुआ, और अल्लाह पाक आपको ट्रेंडिंग पर लाए और आप नंबर वन बनो। भाई मकसूद आपके मुंह में गुड़ शक्कर, और इंशाल्लाह एक दिन हम ट्रेंडिंग पे पर लाजमी आएंगे। तो चले ज्यादा टाइम को वेस्ट किए बगैर आज की वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। तो यार अगर इसी तरह Realme C1 की बात करते हैं, Realme C1 में आपको चिपसेट बहुत ही कमाल का देखने को मिलता था। आपको Realme C1 में चिपसेट स्नैपड्रैगन का 450 देखने को मिल जाता था, जो कि आपको Huawei के Y7 2019 में देखने को मिला था 28,000 में, और Realme C1 की प्राइस है पाकिस्तान में 18,000 रुपये। इसी तरह अगर आप 2019 की बात करते हैं, Realme अपने C1 का सक्सेसर Realme C2 पाकिस्तान में जल्द ही लॉन्च करेगा। अगर लॉन्च डेट की बात करें तो Realme 3 Pro के साथ में ही आपको Realme C2 भी पाकिस्तान में देखने को मिल जाएगा। और लॉन्च डेट की बात करें तो जून के मंथ में दोनों ही स्मार्टफोन पाकिस्तानी मार्केट में आपको देखने को मिल जाएंगे। अगर बात करो Realme C2 की प्राइस की, तो यार इंडिया में इसकी प्राइस काफ़ी एक्साइटिंग रखी गई है, और पाकिस्तान की बात करो तो पाकिस्तान में भी इसकी प्राइस काफ़ी एक्साइटिंग रखने के बहुत ज़्यादा इम्कान है। भाई इम्कान तो इस चीज़ का भी बहुत ज़्यादा है कि यार नीचे जो लाल कलर का सब्सक्राइब बटन है उसको आप दबा के जाएंगे और बेल आइकन को भी लाजमी दबाएंगे। यार Realme C2 की प्राइस को लेकर मैं बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, क्योंकि पाकिस्तान में 2GB 16GB वाला वेरिएंट की प्राइस तकरीबन 17,000 रुपये रखी जाएगी। लेकिन भाई मैं इसके 2GB और 16GB वाला वेरिएंट को लेकर एक्साइटेड नहीं हूँ, क्योंकि यार अगर बात करूँ इससे पहले पाकिस्तानी मार्केट की, तो यार पाकिस्तानी मार्केट में आपको इससे भी अच्छा वीवो का Y91C देखने को मिल जाता है, जिसमें आपको 2GB की रैम के साथ में 32GB की इंटरनल स्टोरेज देखने को मिल जाती है। बट भाई अब आप सारे ये सोचोगे यार मैं एक्साइटेड क्यों इतना, अगर पाकिस्तान में इसकी प्राइस ओवर है। तो यार मैं एक्साइटेड हूँ इसके 3GB और 32GB वाले वेरिएंट को लेकर, क्योंकि यार 3GB और 32GB की प्राइस पाकिस्तान में बहुत ही ज़बरदस्त होने वाली है, और ये मोबाइल फ़ोन डायमंड कट डिज़ाइन के साथ बहुत ही ज़बरदस्त मोबाइल फ़ोन होने वाला है 20,000 की रेंज में। एग्जैक्ट प्राइस की बात करें तो यार इसकी प्राइस पाकिस्तान में 20,500 या 21,000 रुपये रखी जाएगी। सबसे पहले अगर बात करो डिज़ाइन की, तो Realme C2 में आपको डिज़ाइन बहुत ही तगड़ा देखने को मिल जाता है, क्योंकि डिज़ाइन की बात करो तो बैक पर आपको डायमंड कट डिज़ाइन देखने को मिलता है, जो कि बहुत ही क्लासी लुक देता है, और ये इस प्राइस टैग में सबसे तगड़ा स्मार्टफोन और सबसे ब्यूटीफुल लुक वाला स्मार्टफोन होने वाला है। इसी तरह का यार Realme C2 के फ्रंट की बात करो तो फ्रंट पर आपको Realme C1 की तरह बड़ी नोच देखने को नहीं मिलेगी। इस मोबाइल फ़ोन में आपको छोटी नोच वाटर डोम नोच देखने को मिल जाएगी, और इस मोबाइल फ़ोन के फ्रंट पर आपको कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 3 की प्रोटेक्शन भी देखने को मिल जाती है। बाकी अगर बिल्ड की बात करो तो ये मोबाइल फ़ोन प्लास्टिक बॉडी में आपको देखने को मिल जाता है। प्रोसेसर की बात करें तो प्रोसेसर इस प्राइस टैग में आपको पहले भी वीवो के Y91C में देखने को मिल चुका है। मैं बात कर रहा हूँ हीलियो P22 की, और हीलियो P22 की आपको परफॉर्मेंस थोड़ी सी स्नैपड्रैगन 450 से अच्छी देखने को मिल जाती है, और इस मोबाइल फोन में आपको GPU पावर VR का देखने को मिल जाता है, और इसकी फिगर काफ़ी बड़ी है, आपको मैं कैसे बताऊँ, चलो सुनो फिर भी GE8320। बस भाई इतना ही था, लेकिन मैं आपको ये बता दूं भाई ये GPU आपको गेमिंग परफॉर्मेंस बहुत ही तगड़ी देगा, बट अगर Y91C के साथ इसका कंपैरिजन किया जाए तो यार ये मोबाइल फ़ोन फिर भी जीत जाएगा। इसको मैं एक पॉइंट ज़्यादा ही दूंगा, और वो इस मोबाइल फ़ोन के बैक पर दो जो कैमरे हैं उनकी वजह से। एक जो आपको 5 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर देखने को मिल जाता है, वो आपको वीवो Y91C में देखने को नहीं मिलता। यार कैमरा में आपको कोई भी चेंजिंग देखने को नहीं मिली। C1 में भी आपको बैक पर 13+2 मेगापिक्सल का कैमरा देखने को मिल जाता था, और फ्रंट पर आपको 5 मेगापिक्सल का वही कैमरा देखने को इस मोबाइल फोन में देखने को मिलेगा, और C2 में भी आपको यही कैमरा सेटअप देखने को मिल जाएगा। लेकिन भाई इस मोबाइल फोन के कैमराज क्वालिटी आपको C1 से अच्छी देखने को मिल जाएगी, क्योंकि इस मोबाइल फोन के बैक कैमरे पर आपको क्रोमा बूस्ट भी देखने को मिल जाता है, और दूसरा इस मोबाइल फोन में आप 80 FPS पे 480
30 पिक्सल पर स्लो मोशन वीडियो भी बना सकते हैं। भाई बैटरी से कंजूसी कर गया रियलमी यार, जो 230 mAh बैटरी एक्स्ट्रा थी C1 में उन्होंने C2 में ये भी निकाल ली है। मतलब अब इस मोबाइल फ़ोन में आपको 4000 mAh की बैटरी देखने को मिल जाएगी। और बाकी इस मोबाइल फ़ोन में आपको नॉइज़ कैंसलिंग के लिए डेडिकेटेड माइक भी देखने को मिल जाता है। यार डिस्प्ले तो रह ही गया यार, तुम लोगों ने भी नहीं बताया यार डिस्प्ले आज मैंने नहीं बताया। तो यार इस मोबाइल फोन में आपको डिस्प्ले मिलता है 6.1 इंचेस का और ये IPS डिस्प्ले है और ये 720p वाला डिस्प्ले आपको इस मोबाइल फोन में देखने को मिल जाता है। और इस मोबाइल फोन की एक और प्लस पॉइंट की बात करते हैं, इस मोबाइल फोन में आपको एंड्रॉइड 9.0 पाई का ऑप्शन देखने को मिल जाता है और इस प्राइस टैग में आपको अभी किसी भी मोबाइल फोन में एंड्रॉइड 9.0 पाई की ऑप्शन देखने को नहीं मिलती। यार आज की वीडियो में बस इतना ही। यार आपको ये स्मार्टफोन कैसा लगा, इसकी प्राइस कितनी होनी चाहिए और इस मोबाइल फोन की बेस्ट चीज़ आपको क्या लगी, कमेंट बॉक्स में अपना राय लाजमी दीजिएगा। मिलते हैं आपके साथ एक नई वीडियो में, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, तब तक अल्लाह हाफिज़।